हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन पढ़ा था। परम्यूटेशन का हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन पे हम हैं। तो कॉम्बिनेशन हमारा यूज कब होता है? बेसिकली जब हमारा एक से ज्यादा हमारे पेयर आ जाते हैं तो वहां हमारा कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा परम्यूटेशन, मिसिपी और या फिर नंबर। सिंगल एक ग्रुप था आपके पास। अब सपोज करो मैं आपको दो ग्रुप दे दूं कि वी हैव फाइव बॉयज फाइव गर्ल्स, और आउट ऑफ फाइव बॉयज एंड आउट ऑफ फाइव गर्ल्स वी हैव टू चूज टू टू। तो यहाँ हमारा क्या यूज होगा? कॉम्बिनेशन यूज होगा, और कॉम्बिनेशन को हम सी से डिनोट करते हैं। परम्यूटेशन को हमने पी से डिनोट किया था, कॉम्बिनेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज एन सी आर, वहां हमारा था एनपीआर। एनपीआर का हमारा फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां हमारा जब इसका जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो एनसीआर का हमारा फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां से हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है दैट इज हमारा पेज नंबर 150 पे रिमार्क है। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है एमसीएन दैट इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो तो फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारा बचा 1, 1 इंटू एन माइनस एन 0, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, तो आंसर क्या आया हमारा? 1 आया। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो रिमार्क है NC0, वो भी हमारा क्या होता है? 1 होता है। NC0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं रिमार्क पे, दैट इज नेक्स्ट रिमार्क हमारा है एन सी एन माइनस आर दैट इज इक्वल टू एन सी आर। दोनों हमारे इक्वल होते हैं। अगर यहाँ हमारा 1 लेस है, सॉरी एन सी एन माइनस आर, और ये किसके इक्वल होगा? एन सी आर के। अगर आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। वैसे तो ये वाला पार्ट हमारे क्वेश्चन से हट गया है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप कर सकते हो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां से हमारा बचा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करोगे एन माइनस एन प्लस आर, तो हमारा क्या बचेगा? आर फैक्टोरियल। और इसको भी जब आप सॉल्व करते हो तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दोनों साइड हमारी क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। तो ये हमारा नेक्स्ट रिमार्क था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिससे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे। दैट इज फिफ्थ हमारा दे रखा है एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। अगर हमारा ऊपर वाला पार्ट सेम है, एन सी ए और एन सी बी दोनों इक्वल कब होंगे? जब क्या होगा हमारा? ए इज इक्वल टू बी होगा। और वी कैन से इसका एक और पार्ट आपको और करके लिखा हुआ है कि ए माइनस सॉरी ए इक्वल टू एन माइनस बी, और इस बी को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो यहां से क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। इसको हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे एक्सरसाइज में। तो हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है NC8 इज इक्वल टू NC2, ये हमारा गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड NC2। NC2 हमें फाइंड करना है। तो NC2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? N फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी? a प्लस बी। ए की जगह हमारा 8 है, b की जगह 2 है। तो यहां से हमारा क्या आया? a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 2। तो a प्लस बी किसके इक्वल है? n के। तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये हमारा क्या आ गया? n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास n है तो वी कैन फाइंड दिस। तो NC2 हमारा किसके इक्वल होगा? 10C2 के। और इसको खोलोगे कैसे? अपने फॉर्मूले से। तो एनसीएन का हमारा फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला क्या था?
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n की जगह हमारा 10 है और r की जगह हमारा 2 है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब आप इसको लास्ट एक्सरसाइज की तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, अपॉन 2 फैक्टोरियल को बोलेंगे 2 इंटू 1 और 8 फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे ताकि कैंसिल हो जाए, 8 से 8 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो 9 5 जा 45, तो आंसर हमारा क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 45। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1 ये हमें गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो मीन्स हमारा क्या होता है डिवाइड वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या आया 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12:1। अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन, इसको ओपन करेंगे इट्स n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू 12:1 के। अब हम इसको ओपन करेंगे, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि हम जब अपना फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो बड़े वाले को ओपन करते हैं कहां तक, जहां तक हमारी छोटी होती है, तो यह 2n बड़ा है ये छोटा है, तो 2n को 2n माइनस 3 तक ओपन करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 2n माइनस 3। अब ये हमें चाहिए तो यहां हमें फैक्टोरियल लगा दिया अपॉन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूं, यहां हमारा बचा 2n माइनस 3, और नीचे का हमारा रेसिप्रोकल होता है तो n माइनस 3 फैक्टोरियल हमारा ऊपर जाएगा और अपोन में n फैक्टोरियल को हम कहां तक ओपन करेंगे n माइनस 3 तक, तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है हमारा 12:1 के। अब कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो ये हमारा क्या है 2 इंटू 2n माइनस 1, यहां से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन लिया, यहां से हमारा क्या बचेगा n माइनस 1, ऊपर और हमारा सारा कैंसिल हो गया, नीचे हमारा क्या बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12:1। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहां हमारा रिमेनिंग वाला क्या बचा 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 3:1। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2n-1 इज इक्वल टू 3n-3 × 6, ये इधर जाके माइनस हुआ तो ये हमारा 3n-2n n-1 और इधर आके प्लस 6 तो ये हमारा कितना आ गया 5, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5 हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन इज 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 11:1, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 12:1 की जगह हमारा क्या दे रखा है 11:1 की बने, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके एक थ्योरम पे चलती हूं जिसको आप थ्योरम की तरह यूज करोगे। क्वेश्चन इज NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, इसको आप एज अ फॉर्मूला यूज करोगे लेकिन इसका प्रूफ भी आता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे वो यहाँ पे आपका गिवन है। तो ये हमारा गिवन है तो हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट लेके आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम इसको ओपन करेंगे तो इट्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, फिर हम दूसरे वाले को ओपन करेंगे तो
तो इट्स n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल. सॉल्व करोगे n फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले सकती हूँ, n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1. तो ये हमारा हो गया n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. अब हमें क्या करना है, बड़े वाले को ओपन करना है छोटे वाले तक. तो यहाँ r बड़ा है तो इसको ओपन करेंगे, तो n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि हम कॉमन ले लें. और यहाँ हमारा ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो इसको एज इट इज रखेंगे n माइनस r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको ओपन करेंगे तो 1 टर्म हमारी लेस होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन हमारी ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, दोनों टर्म हमारी क्या आ रही है कॉमन आ रही है. तो यहां से मैंने कॉमन लिया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अंदर हमारा क्या बचा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस का 1, ये हमारा कॉमन बचा है. अब हम अंदर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम हम लेते हैं तो हमारा यहाँ पे आया n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. एलसीएम हमारा आ गया r इंटू n माइनस r प्लस 1. उसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म शिफ्ट हो जाएगी n माइनस r प्लस 1, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा r आ जाएगा, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई कैंसिल हो गई. अब यहाँ हमारा क्या बचा n इंटू n फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस 1 बचा है, फैक्टोरियल में n था ये हमारा वैसे था n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. नीचे हमारा बचा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां से हमारा क्या बचा दिस इज n माइनस r प्लस 1, बीच में इंटू का साइन लगा देना, और n माइनस r फैक्टोरियल. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये हमारा क्या होता है n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा. नीचे जब आप इसको ओपन करोगे तो r इंटू r माइनस 1 क्या हो गया r का फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारी ज्यादा है तो ये फैक्टोरियल में आ गया n माइनस r प्लस का 1 फैक्टोरियल. तो ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और ये किसके इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के. अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ ये हमारा लेफ्ट का आंसर आ गया है. अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ राइट हैंड साइड में हमारा क्या है n प्लस 1 सी आर, तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल. तो ये दोनों हमारा क्या है सेम है, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1, बोथ आर द सेम. तो दोनों हमारा क्या हो गया सेम हो गया. तो आप यू कैन प्रूव इट, अगर प्रूव करने के लिए आए तो आप प्रूव करोगे, अदरवाइज कहीं कहीं क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्टली भी क्या करते हैं यूज करते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं इधर से करा रही हूं. क्वेश्चन इज, अब इसी वाली प्रॉपर्टी को देखो मैं यहां यूज करूंगी. प्रॉपर्टी जो मैंने अभी अभी थ्योरम हमने यूज की है, कौन सी थ्योरम यूज की है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर. यहाँ पे क्या हो जाता है ऊपर 1 ऐड हो जाता है यहाँ फर्स्ट वाली टर्म में, और नीचे वाला सेम रहता है. तो इसको ऐसा फॉर्मूला मैं एक क्वेश्चन में यूज कर रही हूँ, दैट इज हमें फाइंड करना है वैल्यू 10C7 प्लस 10C6. वैसे तो आप इसको नॉर्मली ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ ऊपर हमें एक बढ़ाना है फर्स्ट टर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11C, और नीचे वाला हमारा सेम रहेगा 11C7. अब आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 7 फैक्टोरियल. ये किसके इक्वल आया
11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. और नीचे हमारा क्या आया 7 फैक्टोरियल इंटू 4 को खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 7 फैक्टोरियल से 7 गया, 2 वन जा 2 4 जा, 4 वन जा 4 वन जा, 3 वन जा 3 थ्री जा 11 थ्री जा 33 और 10 को करेंगे तो क्या आएगा 330. तो ये हमारा आंसर आ गया. तो इस वाले थ्योरम से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है. उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आर इफ 11C2R इज इक्वल टू 11CR+5. अब देखो अपना हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, NCA इज इक्वल टू NCB है, देन A इज इक्वल टू B और यहाँ पे N इज इक्वल टू A+B, ये हमारा फॉर्मूला था. तो यहाँ मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी क्योंकि हमें R निकालना है डायरेक्टली. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बाय कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2R इज इक्वल टू R+5. अब R इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2R माइनस R इज इक्वल टू 5. तो R हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के. तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप कब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ आपको. क्वेश्चन इज फाइंड आर इफ 9CR-8C3 इज इक्वल टू 8C2. हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है. अब देखो ये इन दोनों में वन का ही डिफरेंस है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, NCR इज इक्वल टू 8C2 प्लस में 8C3. अब यहाँ पे हमारा प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाली टर्म सेम है और नीचे वाले में वन का गैप है तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 9CR इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में ऊपर एक टर्म बढ़ जाएगी 9 और नीचे वाली टर्म हमारी सेम रहेगी 2. तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 9C2 के. अब आप कंपेयर करोगे फॉर्मूले से तो यहां से हमारा क्या आएगा, R इज इक्वल टू 2. तो ये हमारा आंसर आ गया. एक सेकेंड, इसमें एक चीज और रह गई है जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, दैट इज 2NC3 इज इक्वल टू, एक सेकेंड जस्ट वेट, दूसरा क्वेश्चन नोट कर दिया. इससे पिछला वाला क्वेश्चन हमारा था 11C2R इज इक्वल टू 11CR+5. तो यहां से हमने कंपेयर किया था A इज इक्वल टू B, हमें दोनों सिचुएशन लेके चलनी है तो यहां से कंपेयर किया था A इज इक्वल टू B, तो यहां से हमारा आया 2R इज इक्वल टू R+5 और यहां से हमारा R किसके इक्वल आया था, 5 के. अब दूसरे भी सिचुएशन आप लेके चलोगे उसमें हमारा क्या होता है, N इज इक्वल टू A+B के और N हमारा ऊपर होता है तो यहां से जब हम करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, N की जगह हमारा है 11 इज इक्वल टू A की जगह हमारा 2R है प्लस B की जगह हमारा क्या है, R+5. तो ये वाली सिचुएशन भी आपको लेके चलनी है. तो यहां से हमारा क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 11-5 इज इक्वल टू 3R. 11 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आया 6 इज इक्वल टू 3R, 3 वन जा 3 टू जा तो R कितना आया, 2. तो यहाँ पे हमारी R की वैल्यू 2 है. इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमारी R की वैल्यूज कितनी होगी, 2. एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा हम किससे कंपेयर करेंगे कि N इज इक्वल टू A+B. N की जगह हमारा 9 है, A की जगह हमारा R है, B की जगह हमारा 2 है तो यहाँ से हमारा R कितना आएगा, 7. तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आएगी. तो ये क्वेश्चन आपका NCERT में नहीं है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यू हैव टू डू. तो ये तो हमारा हो गया, एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया. इसमें बाकी न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन और है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करा देती हूँ. क्वेश्चन इज NC9 इज इक्वल टू NC8 और वी हैव टू फाइंड NC17.
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है. तो एन फाइंड करने के लिए हम अपना वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी. जब होता है तो हमारा क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है. तो यहां से हमारा क्या है, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए की जगह 9 है, बी की जगह 8 है. तो एन हमारा कितना आ जाएगा, 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17. तो एन हमारा 17 आ गया. अब हमें फाइंड क्या करना था, एन सी 17, और यहाँ पे एन की जगह हमारा क्या है, 17, सी 17. तो आंसर क्या आएगा, 1. ये मैंने आपको फॉर्मूला कराया था कि एन सी एन हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. तो आंसर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज दैट इज इक्वल टू 1. तो ये तो हमारा कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हो गए. अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम पे आते हैं. वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाइड मैथ्स में आपको आपका एनसीईआरटी में ओनली 4 एक्सरसाइज आर देयर, सिर्फ 4 एक्सरसाइज है आपके, और उसके बाद इसमें मैंने आपको शायद परमुटेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं कराई थी, इसके बाद मैं आपको परमुटेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम करा दूंगी, गलती से छूट गया है. तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी आपको पूरी करनी है फॉर द 11th साइंस, और अप्लाइड मैथ्स वाले के लिए एक इसमें टॉपिक गिवन है हमारा सर्कुलर करके, वो वाली एक्सरसाइज आप छोड़ देना, दैट इज एक्सरसाइज 7.5. बाकी आपको 7.6 तक कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का हमने स्टार्ट कर दिया, फिर मैं आपको परमुटेशन करा दूंगी. उसके बाद हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रोन फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. सर्कल पे हमारा कितने टोटल पॉइंट कितना दे रखा है, 21. जब भी आप सर्कल में कोड ड्रॉ करोगे तो हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं. तो हम आउट ऑफ 21 वी हैव टू चूज 2 पॉइंट्स. तो हमारा क्या आएगा, 21 सी 2. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो इट्स 21 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल. अब आप इसको ओपन करोगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल. तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इट्स 10. तो आंसर कितना आ जाएगा, 210. तो आपको कॉम्बिनेशन खोलना तो आ ही गया होगा. अब मैं सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन तक लाके छोड़ दूंगी, सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम. टोटल बॉयज हमारा कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5. टोटल गर्ल्स हमारी कितनी दे रखी है, 4. एंड वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. तो हमारा क्या हो जाएगा कि आउट ऑफ 5 बॉय वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज, आउट ऑफ 4 गर्ल्स वी हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स, और दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो ओपन करोगे तो इट्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. अब मैं सीधा माइनस कर रही हूँ, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है. तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इट्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, 2 टू जा तो 4, ये 5 टू जा 10, 10 4 जा 40. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40. अब इसके बाद में सिर्फ आपको यहां तक आपका बना के छोड़ूंगी, सॉल्व आपको खुद करना है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स. टोटल हमें 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल. रेड बॉल हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 6. व्हाइट बॉल हमारे पास कितनी है, 5. एंड ब्लू बॉल्स हमारे पास, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5. इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स. अगर हर सिलेक्शन में हमारे पास कितनी बॉल्स होनी चाहिए, 3 बॉल्स. मतलब 3 इसमें से, 3 इसमें से और 3 इसमें से, टोटल हमारे पास 9 हो गई. हमें 9 बॉल ही सिलेक्ट करनी थी. तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ 6 वी हैव टू सिलेक्ट 3 इंटू आउट ऑफ 5 वी हैव टू सिलेक्ट 3 इंटू आउट ऑफ 5 वी हैव टू सिलेक्ट 3. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर.
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स. हमें टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? 5. कितने में से? आउट ऑफ 52 में से. इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एग्स, कि उनमें से एक तो एग होना ही चाहिए और बाकी के चार कार्ड जो होंगे डिफरेंट होंगे. तो अब हमारे पास टोटल एग कितने होते हैं? 4. और रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? 48. तो 4 में से हमें एक सिलेक्ट करना है और बाकी के रिमेनिंग 5 में से 1 गया 4, तो 4 कार्ड हमें कहां से सिलेक्ट करने हैं? 48 में से सिलेक्ट करने हैं. तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रही हूँ, एक दो क्वेश्चन, फिर हम परम्यूटेशन के क्वेश्चन पे चलेंगे. तो यहां पे हमारा आ रहा है, ये तो आप खुद कर सकते हो. In how many ways can one select a cricket team of 11? Total हमें कितना select करना है cricket team के लिए? 11 players. From 17 players, 17 players है हमारे पास total. In which only 5 players can bowl. इसमें से 5 players bowl कर सकते हैं. Remaining 12 हमारा क्या हो जाएगा? Batting का हो जाएगा. ये हमारा bowling का है. If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers, अगर हमारे पास exactly क्या होना चाहिए? 4 bowlers होने चाहिए. तो हमें total 11 select करना है, तो जिसमें से 4 bowler होना चाहिए, तो 7 हमारे अदर होंगे. तो यहां से हमें कितने select करने हैं? 4. और यहां से हमें कितने select करने हैं? 7. तो आपका क्या हो जाएगा? 5C4 into 12C7. तो ये आपका combination हो गया. Solve करोगे, you will get the answer. तो कॉम्बिनेशन के मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन करा दिए. अब हम आते हैं परम्यूटेशन के क्वेश्चन पे. बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया था, मेरे को लगा हो गया है. तो अब मैं परम्यूटेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम हमारी कुछ रह रही थी, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ. अब देखो, जब भी आप परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन को हम सिंपली सिंपल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको सिंपल वे में सॉल्व कर रहे हो या आप उसमें परम्यूटेशन यूज कर रहे हो. ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन दोनों तरीके से कराऊंगी, फिर आपकी इच्छा है वैसे आप करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9. हमारे पास 1 to 9 डिजिट है और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है. If no number is repeated, अगर कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है. अब देखो, कॉम्बिनेशन में हमारा क्या था कि हमारा पेयर्स गिवन था, मतलब इतने बॉयज इतने गर्ल्स, या हमें मतलब मोर देन 2 और मोर देन 2 चीजों में से हमें क्या करना था? सिलेक्ट करना था. यहाँ परम्यूटेशन में हमें सिर्फ क्या करना होता है? एक ही चीज, एक ही सिचुएशन गिवन होती है जिसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है. तो यहाँ पे हमारा क्या आया? अब मैं इसको अगर मैं प्रीवियस एक्सरसाइज 7.1 की तरह सॉल्व करती हूँ, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो फर्स्ट वाले ब्लॉक को मैं कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ? 9 वे से. सेकंड वाले ब्लॉक को 8 से और नेक्स्ट वाले को 7 से. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 9 8 72 को 7 से करूंगी, 7 2 14 1 49 50. तो आंसर हमारा कितना आया? 504. अगर इसी क्वेश्चन को मैं परम्यूटेशन से सॉल्व करती हूँ, तो परम्यूटेशन में हमारा क्या होगा कि आउट ऑफ 9 वी हैव टू सिलेक्ट, सॉरी सी यूज कर दिया, वी हैव टू सिलेक्ट 3 नंबर्स. 9 में से हमें कितने लेने हैं? 3 नंबर्स लेने हैं. तो जब मैं परम्यूटेशन को ओपन करूंगी, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था? 9 factorial, sorry, NPN का फॉर्मूला हमारा क्या था? N फैक्टोरियल अपॉन में NPR, सॉरी N माइनस R फैक्टोरियल. तो यहाँ यूज करोगे तो क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हम ये आ गया हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल. या फिर मैंने आपको यहाँ इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ, तो ये हो गया हमारा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया, वापिस वही हमारे 3 नंबर बच गए, तो क्या आ गया? 504 आ गया. तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इसके बाद परम्यूटेशन की एक दो थ्योरम आपको गिवन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका प्रूफ नहीं आता, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द स्टेटमेंट. मैं उसको आपको एक बार उस आपके लिए रीड करती हूँ.
थ्योरम नंबर हमारी 3 गिवन है. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट. तो हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, मतलब दोनों का नीचे डिफरेंट फैक्टोरियल आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारी है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द वन काइंड एंड पी टू आर ऑफ द सेकेंड काइंड. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल, जितना भी हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन होगा. ये हम यहाँ यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अगर सपोज करो हमारा एक नंबर गिवन है उसमें दो नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको आप नीचे उसका फैक्टोरियल लिखोगे कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद मैं परम्यूटेशन के क्वेश्चन पे आ रही हूँ वापस से. यही दो थ्योरम थी यहाँ पे. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. देखो अब हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट का नंबर बनाना है. कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए और डिजिट कुछ भी नहीं दे रखी. तो डिजिट हमारी कहां से कहां तक होती है, 0, 1, 2, up to 9 तक. इन्हीं से हमारी सारी डिजिट बनती है. तो अब इसको करने के 3 or 4 मेथड्स हैं. पहला तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की तरह. दूसरा हम इसमें परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा देखो फोर डिजिट का नंबर कब बनेगा, जब हमारा इस वाली प्लेस पे तो 0 आना ही नहीं चाहिए. तो आप टोटल 4 निकाल के फिर इसका माइनस कर दो तो भी हमारा वो वाला बच जाएगा. तो यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल और सिंपल वे से ही सॉल्व कर रही हूँ. तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो पहले वाले ब्लॉक को मैं कितने नंबर से फिल कर सकती हूँ, टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 नंबर्स हैं. ओके, लेकिन 0 को हम इसमें नहीं फिल कर सकते. अगर 0 यहाँ फिल करेंगे तो हमारा कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा. तो यहाँ मैं 0 को फिल नहीं कर सकती. रिमेनिंग कितने हमारे बचे, 9. तो इस वाले ब्लॉक में मैं कितने वेज से फिल कर सकती हूँ, 9 वेज से. अब 10 में से एक नंबर तो हमारा निकल गया क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, एक नंबर तो हमने यहाँ फिल कर दिया. बाकी रिमेनिंग 9 एलिमेंट्स बचे, 9 नंबर्स बचे. तो बाकी ब्लॉक्स को मैं कैसे फिल कर सकती हूँ, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 7, क्योंकि हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर हमारे रिपीट नहीं हो सकते हैं. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, 9 × 9 × 8 × 7. अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया था लास्ट क्वेश्चन में तो क्या आया था, 504. इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा. दूसरा, अगर मैं इसको परम्यूटेशन से सॉल्व करती हूँ, तो परम्यूटेशन से अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा 9, और फिर हम क्या करेंगे, 9p3 की बाकी को हम 3 से बाकी 9 एलिमेंट्स में हमें क्या करना है, 3 हमें उसमें से चूज करना है. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब आपकी मर्जी है आप कौन से क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड. हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 1, 2 and 3. Using the digit 1, 2, 3, 4, 6 and 7. 1, 2, 3 total number हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए. If no digit is repeated, अगर कोई digit हमारा repeat नहीं हो रहा था. अब देखो even number कब होगा, जब unit place पे हमारा even number होगा. अब even number हमारे यहाँ पे कितने, 3 है. तो इस वाले block को आप कितने ways से fill कर सकते हो कि out of 3 number कितना आएगा, एक नंबर यहाँ पे आएगा, 3 में से एक नंबर यहाँ आ गया. अब रिमेनिंग कितने बचे, 5 नंबर बचे. इन दोनों में आप 5 नंबर, 5 में से आपका कोई भी 2 नंबर आएगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 5 वी हैव टू सिलेक्ट 2. तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा आएगा, या तो मैं इसको सीधा ओपन कर रही हूँ, जितना नीचे लिखा होता है उतना ही हम ऊपर ओपन कर देते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 4. ये हमारा हो जाएगा कितना, 3p1 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 × 3 − 1 ओनली 3. तो यहां हमारा आया 5, 4 = 20, और 20 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 60. तो आंसर हमारा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 60. आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउट ऑफ 3 कोई भी 3 नंबर आ सकते हैं. बच्चे हमारा यहाँ पे हम 5 वे से इसको फिल कर सकते हैं, इसको 4 वे से, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा. तो इट्स डिपेंड ऑन यू, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करोगे. एक चीज और याद रखना,
जब भी आप मेरे को होमवर्क सबमिट करोगे तो वर्डिंग आपको करनी है, ऐसे नहीं है जैसे डायरेक्टली मैं तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से लिखोगे, देन सेंड मी योर होमवर्क। जैसे आप एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर, हमें फोर डिजिट का नंबर बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर हमारा डिजिट गिवन है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पांच में से हमें वी हैव टू सिलेक्ट फोर, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सॉल्व यू कैन डू योर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन कितने होंगे, तो यहाँ पे इवन जब होगा कितने फोर डिजिट का बनाना है, तो 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ में हमारे सिर्फ इवन नंबर आ सकता है, तो इवन नंबर हमारे कितने 2, और 2 में से वी हैव टू सिलेक्ट 1, बच्चे हमारे कितने 3, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से हमें 3 लेना है, तो इट्स 4P3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8%, हमारे पास कितने टोटल है 8% है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वॉइस चेयरमैन, तो हमें 2% सिलेक्ट करने हैं, अज्यूमिंग 1% कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, मतलब आपका नंबर रिपीट नहीं होगा, तो सीधा से आपका आउट ऑफ 8 वी हैव टू सिलेक्ट 2, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नीचे 2 है तो मतलब आप ऊपर को 2 बार खोलोगे तो 8, 7, 56 ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने 6, 7 क्वेश्चन आपको बीच वाले जो आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट है वो मैं आपको करा चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ, 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन EQUATION, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है, यहाँ पे इसमें 8 हमारे पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं, यूजिंग ईच लेटर एक्जेक्टली 1, हर एक लेटर को हमें एक्जेक्टली 1 टाइम ही यूज करना है, तो आप यहाँ पे हमारा जब होगा तो 8 आउट ऑफ 8 और हमें हर एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, मतलब सारे हमें सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर क्या आएगा 8P8, और NPN का फॉर्मूला हमारा क्या था N फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होगा 8×7×6×5×4×3×2×1, सबको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रही हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, MONDAY, तो 3, 3, 6 टोटल हमारे पास अल्फाबेट कितने हो गए 6 हो गए, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, इफ फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन है 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, अगर एक बार में 4 ही लेटर यूज कर सकते हैं, टोटल लेटर कितने हमारे पास 6, और हमें कितना चूज करना है 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 6P4, तो इसको हम 4 टाइम ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6×5×4×3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यू कैन सॉल्व इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, अगर सारे लेटर एक बार यूज हो रहे हैं तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया कि 6 लेटर है और 6 को ही हमें यूज करना है, तो NPN का फॉर्मूला हमारा क्या था 6 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करोगे तो 6×5×4×3×2×1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, तो सारे लेटर यूज होंगे मतलब 6 के 6 लेटर हमारे यूज हो रहे हैं, बट कंडीशन हमारी क्या है कि फर्स्ट लेटर हमारा क्या होना चाहिए वोवल होना चाहिए, अब यहाँ पे देखो वोवल हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम करेंगे तो 2 में से हमें क्या सिलेक्ट करना है 1 करना है, क्योंकि पहला प्लेस हमारा क्या होना चाहिए वोवल, अब 6 में से
एक तो हमने यूज कर लिया, बाकी कितने चूज करने हैं? फाइव करने हैं। अब छह में से एक लेटर यहाँ चला गया, बाकी भी हमारे फाइव बचे, या तो ओ आएगा या ए आएगा, दोनों में से एक ही वोवल आएगा, बट रिमेनिंग तो फाइव ही बचे और फाइव में से हमें फाइव को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इंटू फाइव पी फाइव। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको सेकंड थ्योरम कराई थी रिपीटेशन वाली, जिसके नीचे मैंने लिखा था एन फैक्टोरियल अपॉन पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल, उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट सारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिपी, हमारा वर्ड क्या है, एम आई डबल एस आई डबल एस आई पी पी आई, ये हमारा वर्ड दे रखा है मिसिपी। डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर, कि चारों आई एक साथ नहीं होने चाहिए। अब ये कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, टोटल हमारे पास कितने हैं, इलेवन है हमारे पास लेटर्स हैं। इलेवन लेटर्स में से एम हमारा कितने बार आ रहा है, वन टाइम। आई हमारा कितने बार आ रहा है, फोर टाइम। एस हमारा कितने आ रहा है, फोर टाइम। और पी हमारा कितने बार आ रहा है, टू टाइम्स, फोर फोर एट टू टेन, और टोटल हमारा कितना हो गया, इलेवन। मतलब यहाँ पे हमारा रिपीटेशन हो गया एक ही लेटर का कई बार। अब उसने पूछा है कि चारों आई एक साथ नहीं आना चाहिए, तो पहले तो हम टोटल निकालेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स है, देखो ऐसे तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वेज है दैट इज इक्वल टू 11p, और कितना हमें सिलेक्ट करना था, क्वेश्चन इज जस्ट वेट, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर मिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर। तो यहाँ पे हमारा मतलब हमें कितने के कितने लेटर यूज करने हैं, पूरे के पूरे लेटर यूज करने हैं, टोटल हमारा 11 हो गया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 11p11। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फोर आईज हमारे एक साथ नहीं होने चाहिए, तो पहले फोर आईज के एक साथ होने की कंडीशन ले लेते हैं, कि सपोज करो ये चारों के चारों एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास टोटल केस कितने बन गए, वन कि चारों आई एक साथ आ रहे हैं, टू, और यहाँ पे हमारा हो गया टू और टू फोर और एट, तो टोटल केस हमारे पास कितने हो गए, एट। कैसे, वन एम का, फोर आई एक साथ आ रहे हैं तो उसको हम एक लेटर लेंगे, उसके बाद फोर एस कहीं भी आ सकते हैं और पी हमारा कहीं भी आ सकता है, टू पी है हमारे, क्योंकि फोर आई सपोज करो यहां मैं इसको लिखती हूँ एम आई आई आई, फिर हम लिखते हैं एस एस पी पी एस एस, यहाँ आई एक और आएगा, तो यहाँ पे हमारा इसको हम एक लेटर ले रहे हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये फोर हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी आ सकते हैं, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, इट्स टोटल हमारे जो इसके तरीके हैं, जो टोटल आईज चारों आईज एक साथ आ सकते हैं उनके वेज हमारे पास कितने आए, टोटल वेज कितने आए, एट आए। अच्छा एक सेकेंड और, ये वाला जो टोटल वेज है ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूले में अलग था जहां हमारे नंबर रिपीट हो रहे थे, तो ये हमारा आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन ये जितने भी रिपीट है इनको लिखोगे 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टोटल कितने नंबर थे, 11, फॉर्मूला क्या था हमारा, एन फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं, 11, अपॉन में पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल जो हमारे रिपीट हो रहे हैं रिपीटेशन वाला, तो यहाँ रिपीट हमारा एम वे वन है वन टाइम, आई फोर टाइम आ रहा है फोर टाइम, एस फोर टाइम आ रहा है फोर टाइम, पी हमारा फोर टाइम टू टाइम आ रहा है तो कितना होगा टू टाइम्स, तो ये तो हमारा टोटल वेज हो गया। अब हम किसका कर रहे हैं, इफ फोर आईज कम्स टूगेदर, तो हमारा ये टोटल वेज हो गए, तो यहाँ पे हमारे केसेस क्या होंगे इसको करने के, टोटल हमारा कितना है एट, और नीचे हमारा क्या आएगा वन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये हमारी कंडीशन हो गई एक साथ आने की। तो अगर हम इसमें से ये वाली कंडीशन माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा जब हमारे आईज एक साथ नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस एट फैक्टोरियल अपॉन वन वन फैक्टोरियल वन ही होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल टू। कैलकुलेशन लंबी है, सॉल्व करोगे बट यू विल गेट योर आंसर।
तो इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ पार्ट, एक क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट है, कॉमर्स और साइंस दोनों में ही है ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर के लिए, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन PERMUTATION बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम पी एंड एंड्स विद एस. अगर हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है और एस से एंड हो रहा है, तो यहां पे हमारा कोई रिपीट हो रहा है? हाँ, रिपीट हो रहा है. यहाँ पे एक नंबर हमारा रिपीट हो रहा है. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? पी एक ही बार है, ई आर एम यू टी रिपीट हो रहा है. टी हमारा टू टाइम्स है, बाकी रिमेनिंग हमारे क्या है, वन वन टाइम्स हो रहा है. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला हमारा क्या होगा पी, लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए एस. टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल हमारे पास कितना है, 12. तो 12 में से अब आप देखोगे तो दो ब्लॉक तो हमारे फिक्स हो गए, तो उनका तो आप कुछ नहीं करोगे. रिमेनिंग हमारा कितना बचा है, बीच में 10 ब्लॉक्स बचे हैं, तो 10 ब्लॉक्स को आप फिल कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 10 ब्लॉक्स को 10 वेज से फिल कर सकते हो. तो हमारा क्या आएगा, ऊपर तो 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 पे 10 लिखोगे तो भी हमारा आंसर क्या होता है, 10 फैक्टोरियल. तो ऊपर हमारा हो गया 10 फैक्टोरियल. एक नंबर हमारा दो बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. नेक्स्ट हमारा है, वोवल्स आर ऑल टुगेदर. सारे वोवल्स हमारे क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए. तो वोवल्स हमारे कितने हैं, ए ई आई ओ यू, पांचों के पांच वोवल आ रहे हैं हमारे यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 12 में से हमारा 5 हो गया, 5P5, कि पांचों हमारे एक साथ होने चाहिए. और बाकी के हमारे रिमेनिंग कितने बचे, देखो 5 वोवल एक साथ हो गए, यहाँ 5 नंबर आ गए, और रिमेनिंग हमारे कितने बचे, 7. लेकिन यहाँ हम ब्लॉक कितने लेके चलेंगे कि ये वोवल वाला सेट कहीं भी जा सकता है, 8 ब्लॉक हमारे पास रह जाएंगे. उन 8 ब्लॉक को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 8 वेज से. और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि टी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है. तो ये हमारा नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा. उसके बाद लास्ट वाला मैं पार्ट लेती हूँ. लास्ट वन इज, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए. मतलब ये हमारा क्या होगा, देखो 1, ये हमारा बीच में 4 लेटर है, एक यहाँ एक है. तो यहाँ पे हम आउटकम बनाएंगे कि 1 6, कि या तो पी 1 पे होगा, एस 6 पे होगा, या फिर यहाँ एस होगा यहाँ पी होगा. नेक्स्ट हमारी सिचुएशन क्या होगी, 2 7, फिर हमारा हो जाएगा 3 8, 4 9, 5 10, 6 11 एंड 7 12, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 ही लेटर्स हैं. तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7. ये हमारा कितना होगा, 7 वेज से होगा. अगर सपोज करो P पहले आ रहा है, S बाद में आ रहा है, ऐसे ही अगर S हमारा पहले आ रहा है, P बाद में आ रहा है, तो ऐसे ही 7 वेज और हो जाएंगे. तो ये हमारे टोटल वेज कितने हो गए, 14 वेज हो गए. तो यहाँ पे हमारा ये हमारे टोटल वेज कितने हो गए, 14. उसके बाद हमारे पास 12 में से 2 ब्लॉक को हमने फिल कर दिया, रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, 10 ब्लॉक बचे हैं, 10 लेटर्स बचे हैं. और उन 10 लेटर्स को आप किसी भी वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 10P10, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 14 से, जो हमारा अभी आंसर आया है. ऐसे ही 7 प्लस कितना हो जाएगा, 14. तो यहाँ पे हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी हमारा 2 टाइम्स आया. तो ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई. तो यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर 7 फॉर 11 साइंस, कंप्लीट करना है आपको 7.1 से मिसलेनियस तक, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज. और फॉर 11th कॉमर्स 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.6. 7.5 लीव कर देना सर्कुलर का. तो दोनों के लिए सेम आपका होमवर्क है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज आपके लिए, 5 आपके लिए. ऑलमोस्ट मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं,
दोनों में कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है, किसी में कम है ज्यादा, इट्स कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यू हैव टू कम्प्लीट यूर चैप्टर 7 एंड सेंड मी द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर बिफोर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. थैंक यू.